नाम क्या तुम्हारा बेटा? ऑर्स। और सरनेम क्या? मुझे नहीं पता। तुम अकेले यहाँ कैसे आ गए स्वीटी? चलते हुए यहाँ। वाह वाह, बढ़िया सवाल, बढ़िया जवाब। बड़ा मजा आ रहा है, खुद ही पूछ लो फिर। अब ध्यान से देखना, अब ओर्स तुम्हारे मम्मी पापा है ना? सारे बच्चों के मम्मी पापा होते हैं अंकल। बढ़िया सवाल, बढ़िया जवाब, बहुत अच्छा जवाब दिया। कम ऑन, हाई फाइव। वाओ, इसे तो ये भी पता है। वैसे इससे बेहतर ये होता कि इसकी मम्मी पापा इसे इसका सरनेम और पता बताना सिखा देते। ओर्स, प्लीज बताओगे तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गेम खेल रहा हूँ। लेकिन ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है बेटा, और किसी बच्चे को इतनी रात में बाहर नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैं तो अंदर हूँ ना। तुम्हारा तो जवाब नहीं, कितने स्मार्ट हो तुम, बहुत स्मार्ट। ये देखो क्या कर दिया तुमने, डरा दिया ना इसे। कोई बात नहीं बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरी वजह से थोड़ी रो रहा है, इसे अचानक भूख लग गई होगी, बच्चे ऐसे ही होते हैं। हो सकता है। और तुम्हें भूख लगी? और नहीं लगी है। शायद इसके डायपर बदलने का वक्त हो गया होगा। 4 साल का बच्चा लग रहा है ये, 4 साल का। तो क्या हुआ, 4 साल के बच्चे को सुसु नहीं आ सकती? अरे रो मत बेटा, अच्छा ठीक है मेरे साथ आओ, यहाँ जाओ, आजा आजा, आराम से शांत। मैं बस हा? अभी आता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, मम्मा भी आ जाएंगी। हा? माफ कीजिएगा, मुझे इसे यहाँ लाना पड़ा और कोई जगह नहीं थी इसे छोड़ने के लिए। कोई बात नहीं, हमें बस फिक्र हो रही थी। मेरा बेटा थोड़ा शरारती है, वो मुझे बिना बताए यहाँ आ गया। इसकी मॉम कहाँ है? 6 महीने पहले ही गुजर गई। I'm so sorry. सुन के अफसोस हुआ। कोई बात नहीं सर, वैसे तो इसकी दादी इसे देखती हैं, पर आज उनकी तबीयत खराब थी। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं शुक्रिया सर, वैसे ही आपने मुझे यहाँ जॉब देकर मुझ पे एहसान किया है। और शुक्रिया ना कहो। नहीं मुराद सर, आपकी वजह से घर पे बहुत मदद हुई है। इसे पता है? किस बारे में सर? कि इसकी माँ नहीं है? टाइम आने पे बता दूंगा सर, लेकिन रोज रात को अपनी माँ को याद करते हुए रोता है, तब उसे संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं समझ सकता हूँ। मैं माफी चाहूंगा सर, दोबारा ये नहीं होगा, मैं इसे अपने साथ ही बिठाऊंगा। ये यहाँ बोर नहीं हो जाता? और क्या ही कर सकता हूँ मैं, मुझे नौकरी तो करनी ही है ना, ऐसे ही खेलता रहेगा फिर खाना खा के सो जाएगा। तो फिर ऐसा करते हैं, अब ब्रेक ले लिया है तो इसे हमारे पास ही रहने दो, ये यहीं खाना खा लेगा। क्यों हयात? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओ, अब तुम जाओ, ये हमारे साथ रुक जाएगा।
ये क्या बकवास है? कैसा कार्टून शो है ये? हाँ, कितना वायलेंस है इसमें? लाओ रिमोट मुझे तो। जैसे मैंने जानबूझ के कुछ अच्छा नहीं लगा। लो। ये देखना ठीक है? ये सब मत देखो और ठीक है? लायंस को भी तो भूख लगती है ना हयात आंटी। वाह क्या बात कही मेरे शेर। देखा, जिंदगी की सच्चाई यही है, सीखो इससे। कमजोर को हमेशा ताकतवर खा जाता है ना? लाओ रिमोट मुझे दो, मुझे दो। किसी 4 साल के बच्चे को ये सब सिखाता है कोई? कल को पता चला स्कूल जाएगा और कहेगा मैं शेर हूँ, मैं सबको पीटूंगा। फिर पता नहीं इसके बेचारे डैड को क्या क्या सुनना पड़ेगा स्कूल में। ओ, तुम औरतें ना बस दिन भर बक बक करती रहती हो। तुम पहले इसे पूछोगी कि इसने अपने दोस्तों को मारा क्यों? मैंने अपने दोस्तों को क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने पहले अटैक किया होगा। वरना तुम बेवजह किसी को क्यों पीटोगे, बताओ मुझे? तो इसका मतलब लोगों को पीटना बिल्कुल गलत नहीं होता है ना? प्रॉब्लम्स को ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं। आजकल ये वायलेंस के बिना कहाँ काम चलता है? गलत बातें मत सिखाओ इस बच्चे को। अगर कोई इसे बेवजह पीटेगा तो ये क्या करेगा? अपना दूसरा गाल भी थप्पड़ खाने के लिए आगे कर देगा। हाँ, इसे जाकर अपनी टीचर से बोलना चाहिए। तुम चाहती हो हमारे बच्चे को स्कूल में टीचर का चमचा बुलाया जाए? आप टीवी को बंद कर दीजिए ना, आप दोनों को दिखने में ज्यादा मजा आ रहा है। लगता है सो गया है। मैं इसे गोद में उठा के वहां सुला दूं? छोड़ो ना, फिर ये जग जाएगा। कितने साल के थे जब आपकी मॉम गुजरी? और उसकी उम्र का इतना ही। दो रुक, उसने पहले बताया था कि आपको बचाते हुए उनकी जान चली गई। दो रुक को बकबक करने की आदत है। मुराद, सिर्फ इसीलिए दिदम से शादी कर रहे हो ना? क्या मतलब? एक बिन मां के बच्चे होने का दर्द जानते हो, इसलिए चाहते हो ना तुम्हारे बच्चे के पास बाप हो। वैसे क्या वजह मायने रखती है? भले इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं है, अब इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि ऐसा कुछ होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा यकीन करो।